हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई डिज़ाइन अपलोड करूँ तो आप उस डिज़ाइन को मिस ना कर पाए। इस टाइप का ये डिज़ाइन बना है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और ये डिज़ाइन भी आपको मेरा कैसा लगा। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बना है। तो देखिए, मैंने इसका रेडी कर लिया है। इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये पट्टी है और ये भी है, और इसमें मैंने देखिए इस टाइप से 2, 3, 4, 5 इस टाइप से 5-6 भी मैंने बनाया है। और इस टाइप से आप देख सकते हैं, पहला खंड हमने तैयार कर लिया है इसमें गुल्ली बनाकर, और इस टाइप से भी मैंने पूरा रेडी कर लिया दूसरा खंड भी। और तीसरा खंड भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम चौथा खंड जो है इसका, वो रेडी करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल बताया है, तो आप आसानी से इसे बना भी लेंगे। देख सकते हैं आप, इस टाइप से ये रेडी हुआ है। अब हम इसका एक खंड बनाना सीखेंगे। उसी अगर आप वो सीख लेते हैं तो ये सारा खंड आप आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और इसी टाइप से हमें गुल्ली बनाना है, जितना मैंने 10 खंड में बनाया है। तो आप भी 10 खंड में बनाएंगे या फिर आप कम भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेम इस तरह से हमें लेना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने पलट लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए फंदा पहले हमें बना लेना। देखिए इस टाइप से हम बना लेंगे और यहाँ बांध लेंगे क्रॉस में ही। उसके बाद यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ हम पहले क्रॉस की मदद से बांध लेंगे। देखिए, उसके बाद एक बड़ा चैन लेंगे और एक छोटा, और उसमें से हम छोटे साइज में, ज़्यादा लंबाई नहीं, हमें एक छोटी सी गुल्ली बनानी है। इसमें मैंने छोटा छोटा गुल्ली बनाया है, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हैं या कम भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप से हमें 2 ही चैन लेना है, और जिस चैन से हम बांधे हैं उसी चैन के अंदर से हमें दूसरा गुल्ली निकालना है। देखिए इस टाइप से, जो हम बांधेंगे गुल्ली, उसी गुल्ली के अंदर से जो चैन होगा उसी चैन के अंदर से, जैसे देखिए ये अभी हम बांध रहे हैं, और उसके बाद एक गस्सा चैन लेंगे और जिस चैन से हमने बांधा है उसी चैन के अंदर से हमें गुल्ली निकालते हुए जाना है। तो इसमें चैन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। किस टाइप से ये बनता हुआ जाएगा, देख सकते हैं आप इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई हमें रखनी है। तो मैंने इसमें 42 छोटे छोटे गुल्ली बनाई हैं, तो आप भी 42 छोटे छोटे गुल्ली बना लेंगे। इस टाइप से 42 बना लेंगे आप, और फिर यहाँ लाकर हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 42 बना लिया है। इस टाइप से आप भी 42 बना लेंगे। लगभग 42 मैंने बनाया, आप उसे कम भी रख सकते हैं इसकी लंबाई, और इसे बराबर भाग में बांट लेना है, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसे वहीं पे लाके हमें इसे बांध लेना है। उसके बाद हमें 5, 6 या 7 चैन लेना है थोड़ी सी दूरी पे। मैंने जो पाइपिंग किया उसमें एक घर छोड़कर दूसरे घर में पाइप ज्वाइन किया है। तो देखिए हम इसे इस टाइप से थोड़ी सी दूरी पे, जैसे इसमें किया सेम उसी तरह से हम इसमें करेंगे।
देखिए यहाँ भी हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से गुल्ली बनाएंगे जैसे सेम हमने पहले बनाया। थोड़ा सा बड़ा चैन करेंगे और एक गस्सा चैन करेंगे। देखिए इस टाइप से छोटी सी गुल्ली बना। तो देखिए सेम इसी तरह मैंने इसमें 42 बनाया था, तो अब हम इसमें दो घर घटा के बनाएंगे। जैसे इसमें 40 करेंगे, इसी टाइप से हम दो दो घर घटाते हुए बनाते जाएंगे। तो सेम हम उसी तरह लाकर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। जैसे देख लीजिए हमने बना लिया है, और इसमें मैंने 40 ही घर बनाया है, उससे छोटा बनाएंगे। या फिर आप तीन घर घटाकर भी बना सकते हैं। और देखिए यहाँ इसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से चैन लेंगे, दूरी के हिसाब से जितनी दूरी पे आपको टाँकना हो उतनी दूरी पे हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए एक पाइपिंग में छोड़कर दूसरे पाइपिंग में कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें फिर से उसी तरह छोटी छोटी गुल्ली बनाएंगे। तो इसमें हम फिर दो घर घटाकर गुल्ली बनाएंगे। जितना बनेगा 10 घर इसमें बनेगा, तो सब में घर घटते हुए बनेगा। तो आप चाहे तो किसी में दो तीन घर घटा सकते हैं, किसी में चार, आप अपने हिसाब से जितनी दूरी पे रखना चाहते हो। बट दो दो घटाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसी तरह हमें इसे भी बुन कर लाना है और इसे भी ज्वाइन करना है। सेम इसी तरह से जैसे मैंने इसमें किया है। तो देखिए इस टाइप से हमारा बन चुका है, 1 2 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10 माँ बन रहा है। तो लास्ट जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो एक ख्याल रखना है कि जितनी ये पट्टी की मतलब जो भी बना है लंबाई है, उतनी ही लंबाई करके हम इसे बांधेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं और ना ही ज़्यादा छोटा, उतनी लंबाई करके हम यहाँ पे इसे लास्ट में यही ध्यान देना है बांध लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा बन चुका है, ये टोटल अब हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए इस टाइप से तो आप भी आसानी से इतने स्टेप्स को कर लीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस टाइप से ये बन गया हमारा। अब हम इसे ज्वाइन करना सीखेंगे किस टाइप से। जैसे इस तीन तैयार है, सेम उसी तरह हमें इसे भी फिनिशिंग करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है, जो हमने पहले 42 बनाया था उसे सीधा करके, और इसका जो बीचों बीच होगा उसमें हमें ऊन को गाँथना है। जैसे कि इसका बीच हुआ तो हम यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम फंदा बना लेते हैं। देखिए इस टाइप से हमने फंदा बना लिया है। यहाँ से हम बीचों बीच इसे बांध लेंगे। इस टाइप से हम इसे बांध लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम दो चैन लेंगे, एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दो। उसके बाद हम 6 चैन लेंगे, दो ले लिया, 3 4 5 6। तो इस टाइप से हमें 6 चैन लेना है। और फिर जो सेकेंड लड़ी है उस लड़ी में हमें उससे भी इसी टाइप से बीचों बीच में गाँथना है।
जैसे इसका जो बीच है सेम उसी तरह से हमें बीचों बीच बांध लेना है। इस टाइप से हम इसे बांध लेंगे। और दो चैन लेंगे, इसमें से दो फंदा निकालेंगे और बांध लेंगे। फिर छह चैन लेंगे, 3 4 5 6, और फिर हम जो इसके बाद वाली लड़ी उसे भी बीचों बीच करके इसी तरह से हम बांधेंगे। फिर दो फंदा लेंगे, और छह चैन लेंगे, और सेम इसी तरह से हमें टोटल जितना 10 हमने लड़ी लिया है तो हम 10ों को इसी टाइप से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप से मैंने कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, जो इसका मेन भी बना हुआ है, ये जो भी बना हुआ है हमें इसमें इसे ज्वाइन करना है। ये जो भी है, जो कोना इसका निकला हुआ, उस कोने में हम इसे क्रूस की मदद से बांध लेंगे इस टाइप से। अब हमें यहाँ से देखिए इस टाइप से 10 घर हमने बनाया है, 10ों घर बन चुका है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नया स्टेप देखते हैं। यहाँ से हमें अब गोला करना है, यहाँ पहले हम बांध लेते हैं इसे अच्छे से, उसके बाद हम इसे इस टाइप से घुमाकर, और जो हमने दो फंदा लिया था उस दोनों फंदे के बीच से लेना है चैन हमें, एक फंदा जो है लेना है, देखिए इस टाइप से। देखिए इस टाइप से हमने गोल कर लिया इसे, और फिर हम इसे यहाँ पे इस तरह से बांध लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, गोला बनाएंगे। एक ही साथ टोटल गोल बनता चला जाएगा, 10 गोल इस टाइप से हमें बनाना है, जितने भी घर हमने ज्वाइन किए उस टोटल में। तो देखिए इस टाइप से हमारा पहला बन चुका है। उसके बाद हम चैन लेंगे, 5 6 चैन लेंगे, और इसके पीछे थोड़ा सा हम उसमें से पकड़ेंगे ऊन को और बांध लेंगे। फिर हम कुछ चैन लेंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पे इस तरह से पकड़ेंगे और इसे बांध लेंगे। फिर कुछ चैन लेना हमें, और जहाँ इसका सीधा होता है वहाँ पर हमें लाके इसे
बांध लेना है। तो देखिए इस टाइप से हमने इसे बांध लिया। अब हमें क्या करना है, जो इसका सेकेंड लेयर है जहाँ हमने दो फंदा लिया था उसके बीचों बीच हमें इसे बांध लेना है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से, और हमें इस टाइप से यहाँ पे एक फंदा लेना है और बांध लेना है, और जो पहला हमने बनाया था गोला हमें इसमें इसे ज्वाइन कर लेना है साइड से थोड़ा सा लेकर। उसके बाद तब हम यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे और फिर लाकर हम इस साइड ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए और आप समझिए। तो देखिए ये भी हमारा गोला हो चुका है। अब हम इसे पहले जो गुलाई बनाए थे उसमें हम थोड़ा सा ऊन लेंगे और इसे बांध लेंगे, और फिर सेम उसी तरह हम इसे पीछे पलट लेंगे चैन को, और हमें चैन ले लेना है कुछ, और फिर उसी तरह हम थोड़ा सा ऊन पकड़ेंगे और इसे बांध देंगे। फिर हम कुछ चैन पकड़ेंगे और इसे बांध लेंगे थोड़ी सी दूरी पे, और इसी तरह करते करते जो सीधा है इसका दो तीन लेयर में पहुंच जाएगा वहाँ। जैसे देखिए दो लेयर में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, थर्ड लेयर में जिसका सीधा है लेयर वहाँ पे हम लाके इसे ज्वाइन कर लेंगे, बांध लेंगे। फिर हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे। इससे क्या होगा, एक ही साथ हमारा टोटल लेयर जो है वो तैयार होता चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहाँ बांध लेंगे इसे, देखिए जो ये है इसे हम यहाँ इस टाइप से बांध लेंगे जिसका बीचों बीच है इस टाइप से। और सेम जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया सेम उसी प्रोसेस से हमें टोटल बनाना है। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे। देखिए इसी टाइप से हमें ज्वाइन करते हुए हमें टोटल 10 तैयार करना है। तो हम इसमें कर लेंगे 10। तो देख सकते हैं आप इस टाइप से जो हमारा रेडी हुआ था ये भी है, और इसमें जो हमारा रेडी हुआ है टोटल अब लगभग हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका पाइपिंग करेंगे बैगनी कलर से। आप रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जिस कलर का यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से ये जो है इसमें हमें अब पाइपिंग करना सीखना है। तो देखिए इस टाइप से ये हमारा टोटल बन चुका है। ये देखिए इस टाइप से हमने बना लिया है, और ये हमारा इस टाइप से दिखेगा बनने के बाद। देखिए इस टाइप से तो हमारा 4 खंड तैयार हुआ है और हमने 5 भी बनाया था। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो देखिए इस टाइप से हमने पाइपिंग किया हुआ है बैगनी कलर से,
ये देखिए इस टाइप से। तो अब हम देखते हैं इसमें पाइपिंग करके। तो देखिए मैंने बैंगनी कलर का यूज़ किया और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले हम क्रूस में बांध लिए, और ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए हम इसे यहाँ इस टाइप से बांध लेंगे पहले। उसके बाद हमें यहाँ पे चैन लेना है, तीन चार चैन लेंगे या पांच चैन लेंगे, और फिर थोड़ी सी दूरी पे हमें, देखिए थोड़ी सी दूरी पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है, बांध लेना है एक ही बार में इस टाइप से। फिर हम कुछ चैन लेंगे, चार या पांच चैन लेंगे, और फिर थोड़ी सी दूरी पे हम इसे बांध लेंगे। फिर हम चार या पांच चैन लेंगे या छः चैन लेंगे, और फिर थोड़ी सी दूरी पे हम इसे बांध लेंगे। और इसका गोलाई है दोस्तों, गोल हमने बनाया, तो इसे पूरे बैगनी को हम गोल करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस टाइप से ये गोल है। तो फिर हम यहाँ पे आएंगे और इसे इस टाइप से बांधेंगे। तो दोस्तों आप देखिए और समझिए इसे, यहाँ पे देखिए अच्छे से समझिएगा तो आप आसानी से इस डिज़ाइन को बना पाइएगा। इस टाइप से हम पूरा गोल कर लेंगे। उसके बाद पूरा गोल करने के बाद हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस टाइप से। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, जिस टाइप से हमने गोल करने के बाद दूसरे घर में जाने के लिए हमने इसे पीछे से थोड़ा थोड़ा ऊन लेकर हम वहाँ तक गए थे, उसी टाइप से हम यहाँ भी बांध लेंगे। थोड़ा सा ऊन हमें फंसा लेना और इसे बांध लेना। तो देखिए इस टाइप से हमें यहाँ पे साइड में हमें आ जाना है, और फिर अब हम यहाँ से सेकेंड लेयर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए और आप समझिए। Thank you.
देखिए इस टाइप से हमें फिर इस लेयर तक जाना है और फिर से गोलाई में सेम इसी तरह करते हुए टोटल लेयर को कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप दोस्तों कि आप ये बनाना सीख गए होंगे पाइपिंग करना। देखिए इस टाइप से टोटल में हमें पाइपिंग कर लेना है, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा देखने को। तो इसे भी हम टोटल यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कंप्लीट होने के बाद इस टाइप से ये दिख रहा है। इस टाइप से टोटल कंप्लीट करने के बाद इस टाइप से हमारा दिख रहा है। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है स्टेप्स है, तो मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पे हमें फ्लावर्स ऐड कर लेने और यहाँ भी हमने बीच में फ्लावर्स ऐड कर लिए, देख सकते हैं आप यहाँ। तो आप भी यहाँ पे फ्लावर को ऐड कर लेंगे और जितने भी खंड हमने बनाए थे उस सारे खंड में हमने फ्लावर्स को ऐड किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ से हमने लड़ी गिराया है। तो आप अपने हिसाब से जितनी लंबाई का इसमें लड़ी गिराना चाहते हैं आप 10 लड़ी, जितने 10 खंड है तो 10 लड़ी आप उसमें से इस टाइप से देखिए यहाँ पे हमें ज्वाइन करके लड़ी बनाना है, जो बहुत इजी है, जो मैंने आपको इसमें नहीं बताया, नहीं तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो इस टाइप से हमें लड़ी बना लेना है और जितने भी ये खंड है सब खंड में मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स ऐड कर दिए हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारा गेट बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और ये गेट पर्दा डिज़ाइन भी आपको कैसा लगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको अच्छी मेरी वीडियो लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।